वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अपने आत्मा, अभी आपने शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अभी आपने शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित छपी हुई, उसमें 110 प्रश्न पढ़ा था कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, लेकिन वो काल इनसे अतीत है, न्यारा है। अब ये स्वयं कहता है कि इन तीनों गुणों से यानी रजगुण से होने वाले भाव यानी सृष्टि उत्पत्ति जनता की जीवों की, और सतगुण से सतीथि और तमगुण से संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश से सारी जो भी हो रहा कहते उनका मुख्य कारण तो मैं हूँ, काल कहता है, लेकिन मैं इनसे बाहर रहता हूँ। ये अपने ब्रह्मांड के उस ऊपरले स्थान पर रहता है, सबसे ऊपर सुन शिखर में। अब कहते हैं काल निरंजन सुन ठिकाना और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। अब आपको ये कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अथ देवी भागवतम, ये संस्कृत सहित देवी भागवत अनुवादकर्ताओं ने केवल हिंदी में कुछ गड़बड़ेशन कर रखी है, वो यहाँ से देख लेंगे हम। खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से प्रकाशित है, और ये इसके तीसरा सेकंड पर आते हैं हम, ये देखिएगा। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, ये तीसरा सकंद ये प्रारंभ हो रहा है, इसके 11 पृष्ठ पे और तृतीय सकंद अध्याय 5 में है। ये अध्याय 5 का और ये 8वां श्लोक हम पढ़ेंगे हिंदी में। हे माता, शंकर भगवान कह रहा, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, किस लिए किए हैं आपने हमारे को ऐसे युक्त क्यों किए हैं। अब फिर देखिएगा, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और रजोगुण ब्रह्मा और हरि यानी विष्णु को सतगुण युक्त किए हैं। अब यहाँ देखिएगा संस्कृत, फिर ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, भगवान शंकर कह रहा है शिव जी कि कथम माने क्यों, कैसे मैं बना दिया विहित से तमोगुण है, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, सोवित क्यों सतोगुण हरि और विष्णु भगवान को सतोगुण क्यों बना दिया, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। अब इसे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और 7वें सकंद में देवी जब कह रही है, प्रथम सकंद में विष्णु खुद कह रहे हैं कि जो आप में ब्रह्मा में तामसी रजोगुण राजसी शक्ति का संचार हुआ है, और विष्णु कहता है मुझ में सात्विक का और शंकर में तामसी का, यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। अब श्रीमद् भगवद गीता को अब समझेंगे। परमात्मा कहते थे, परमेश्वर ने कहा था गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। गुण तीनों की, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में यू भ्रम रहो, भूल पड़ो संसार।
तिन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करत हैं सेवा। इस दुर्गा और काल के ये तीन बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और ये अंधे जीव, अंधे ज्ञानहीन नेत्र, ज्ञान नेत्रहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। और वही हमारे सदग्रंथ गीता जी कह रही है, सुनिएगा फिर पढ़िएगा श्रीमद् भगवद गीता। अब ये सातवां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का और बारहवां श्लोक फिर से देखिएगा। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव यानी सृष्टि और सतीति, और जो रजगुण और तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, यानी मेरे मैं ही निमित्त हूँ, क्योंकि इसको श्राप लग गया हुआ 100,000 जीव नित आहार करने का, मनुष्य शरीरधारी नित आहार करने का, और उसके कारण अपने तीनों पुत्रों से ये यहाँ अपना आहार तैयार करवाता है। परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं, युकाल इनसे अलग रहता है, ऊपर के ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर सुन शिखर में चोटी में। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीन प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण से परे, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। युकाल कह रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि बंद होगी, इस तक मुझे नहीं जानते। अब 14 और 15 में कमाल कर दिया है, साथ में देगा 14वां श्लोक, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी का फैलाया हुआ जाल, कहते हैं बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर ब्रह्म की साधना करते हैं, वो इन माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, ब्रह्म लोक चले जाते हैं। इसका अर्थ ये है। अब क्या बताता है काल, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही जिनकी बुद्धि सीमित है, इन्हीं के मिलने वाले लाभ पर ये आश्रित हो चुके हैं, इनका ज्ञान हरा जा चुका है और किसी की पूजा करने को तैयार नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे, असुर माने राक्षस से स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ यानी मूर्ख, दूषित कर्म बुरे कर्म करने वाले मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा, अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, तिन के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। इस काल और दुर्गा के तीन पुत्र हैं, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और तिन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव अंधे जीव ज्ञान नेत्रहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। अब मालिक ने तीन गुणों की भक्ति बताई है, कदे कोई विचलित हो है, और भक्ति तो फिर देवता हैं तभी तो इनकी भक्ति कराया करते। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अपुण आत्माओं उदाहरण देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और उससे सिद्धियां प्राप्त करके वो खुद पंसारी बन गया, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मरिया। रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया और दुर्गति को प्राप्त हुआ। कैसा जुल्म किया, अपने पुत्र का शत्रु हो गया,
उसके साथ उसको इतनी यातनाएं दी, कलेजा मुंह को आ जावे। और तमगुण शिव की पूजा की थी भस्मागिरी ने। भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव को इष्ट रूप में पूजता था। 12 वर्ष तक ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर खड़ा हो गया। पार्वती ने प्रार्थना की, परमात्मा हे भोलेनाथ, आप तो मालिक हो, जो चाहो सो कर सकते हो, आपका पुजारी क्या मांगता है इसको दे दो। तब शिव जी ने कहा, मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है बच्चा। भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव ने सोचा भी के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा। कहने लगे भगवान शिव, भाई तथास्तु हो गया, मैं वचनबद्ध बोल के मांगे। खड़ा हो गया जब छोड़ के तपस्या, और कहा कि आपके हाथ में जो ये कड़ा है, ये भस्म कड़ा दे दे। वचनबद्ध हो गया था, ले भाई देना पड़ा। अब जो उस भस्म कड़े में एक गुण था कि जो उस किसी के भी सिर पर न्यू कर कह दे, सिर पर रख कर न्यू कह दे भस्म, वो वही नष्ट हो जाता था। ये उसको पता था भस्मागिरी को, इसलिए वो मांग गया। और मन में के दोष था कि शंकर ने मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, ओए होए, इस उद्देश्य से साधना कर रहा था वो। अब जो ही वो भस्म कड़ा भस्मागिरी उस राक्षस के हाथ में आ गया, तमोगुण के उपासक है, उसी समय डिक्लेयर कर दिया कि ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, अपने आत्माओं, हम भगवान शिव जी को अविनाशी कहा करते थे। और वहां जब उसने पता लगा कि अब तुझे मारेगा, तो भगवान शिव जी ने डांग ठोक दी, स्पीड खींच दी, और सिर पे पांव धर के भाग लिया कि वो मारेगा अब तो भाई। यदि वो अविनाशी थे, भाजन की क्या जरूरत थी, भागने की क्या आवश्यकता, खड़े हो जाते, गाजा कर ले के करेगा। अब ये तो आपको पता ही है, फिर भगवान ने पार्वती रूप धारण किया, कहते विष्णु ने किया, पर जैसे भी है, अभी इसको ये धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा, वो कौन थे जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, वो पूर्ण परमात्मा थे। और अंत में विष्णु रूप दिखा दिया कि विष्णु आए थे, बात रोड़ा रड़गी। फिर परमात्मा ने पार्वती रूप धारण किया, भस्मागिरी के पास पहुंच गए, जो पीछे पीछे भागे जहाँ थे, गंडत नाथ नचा के उसके सिर पे हाथ जब आ लिया, भस्म कड़े वाला जब कह दिया भस्म, भस्मागिरी का नाश हुआ। उसके बाद वो भस्मासुर कहलाने लगा, भस्म असुर, भस्मासुर असुर माने राक्षस। अब तमोगुण उपासक भस्मागिरी ने कैसा जुल्म किया, अपने भगवान की पत्नी को, माता को पत्नी बनाने के उद्देश्य से कैसे जुल्म किए, तो राक्षस कहलाया। और कैसे दूषित कर्म, माँ को पत्नी बनाने की चेष्टा की, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे आए हैं। आम आदमी भी ना करे से जुल्म, जो इसके साधका ने ऐसा जुल्म कर दिया। और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये चार जो है ना, इनकी उपमा दी है गीता जी में, इन तीनों गुणों के उपासकों को, क्या क्या राक्षस, दूषित कर्म करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे आए हैं। और दूषित कर्म यानी बुरे कर्म करने वाले मूर्ख। अब रावण ने तमोगुण भगवान शिव की साधना की थी, आपको पता है उसको के संज्ञा मिली, रावण को राक्षस कहा जाता है। पुण्यात्माओं, एक बार कुंभ का मेला भरा था, हरिद्वार हर की पैड़ी पर भी लगी, उसमें ये सभी गिरीपुरी नागा कनपाड़े और वैष्णो, वैष्णो साधु हैं विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के, नागा कनपाड़े और ये नाथ, ये गिरीपुरी, ये श्री शिव के उपासक तमोगुण के, वहाँ चले गए स्नान करने के लिए। जब नहाने का टाइम आया, समय आया, पर भी का समय आया, सभी के सभी अपने अपने झुंडों में, वहाँ गिरी अलग, पुरी अलग, नागा न्यारे वैष्णो अलग अलग, अब अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं।
वहां से स्नान करने चलते हैं। पहले नागा साधु तमोगुण उपासक पहुंच